This is the third death anniversary of Sarabjit Singh, जिनके ऊपर ये पिक्चर बनी गई हैं. हमारा मुद्दा आज यही था यहाँ आने का और इनको श्रद्धांजलि अर्पित करने से हम एक और एक डेडिकेट करना चाहते हैं इस फिल्म को उस फैमिली के ओर जिनके ऊपर ये पिक्चर बनी है. आज आपके साथ आपके बीच हम इंट्रोड्यूस करना चाहते हैं दलबीर कौर जी, सुखप्रीत जी एंड पूनम जी. प्लीज आप जरा ऊपर आ जाएं मेरे साथ. इनके वजह से ये पिक्चर बनी है, इनके लिए ये पिक्चर बनी है और दलबीर जी की कहानी है कि जब ये आए थे हमारे पास, ये पिक्चर बहुत साल पहले बनने वाली थी जब सरबजीत सिंह जी जीवित थे, लेकिन बनाने का ये मुद्दा था तब कि जब अगर बन जाती तो सरबजीत रिहा हो पाते, लेकिन उसके दौरान ही ये हादसा हुआ और वो नहीं आ पाए वापस. तब इन्होंने और कोशिश की कि ये पिक्चर बन जाए. अब ये बनाने का हमारा रीज़न ये है कि ऐसा आगे ना हो, ऐसे आगे और कोई सरबजीत शहीद ना हो. हमने इसलिए ये मुद्दा उठाया है और ये पिक्चर इसलिए ही बनी है कि आगे क्या होगा और जो हुआ वो नहीं होना चाहिए. सच्चाई आपके सामने हम रखना चाहते हैं और दिखाना चाहते हैं कि ये पिक्चर में के दौरान जो भूल हुई वो नहीं होनी चाहिए थी. दलबीर कौर ये है पूनम, सुखप्रीत और सरबजीत की छोटी बेटी. स्वपन यहाँ नहीं है हमारे साथ और ये हैं सुखप्रीत जी जिन्होंने ये पूरी जो आपकी अपनी लाइफ जो हमारे पास दे दी है और हमें मुझ पर भरोसा किया कि ये पिक्चर बनाएं और दिखाएं लोगों को कि एक्चुअली क्या हुआ है. दलबीर कौर कुछ तो शब्द आपके बोल सकें तो. जैसा कि हम सबको ज्ञात है कि 2 मई को सरबजीत के लिए सारा देश इकट्ठा हुआ था. 26 अप्रैल को उसके ऊपर जेल के अंदर हादसा हुआ, उस पर हमला हुआ. अफसोस मुझे सारी, जब तक मैं जीऊंगी जितने साल भी, एक अफसोस रहेगा कि इन हाथों से मैंने अपने बेटे को, अपने भाई को, जिसे मैंने अक्सर बेटा कहकर पुकारा, राखी बांधी थी, अपने हाथों से उसे रोटी भी खिलाई थी, प्यार किया था, उसे सलाहा था, उसके बालों में हाथ मैं फेरती थी, उसका जूड़ा भी किया करती थी, रुमाल भी डाला करती थी, और कई बार वो अगर मेरे साथ रूठ कर रो भी पड़ता तो उसके आंसू भी पहुंचती थी. और इन्हीं हाथों ने, मैं समझती हूँ कि हिंदुस्तान ही नहीं बल्कि सारी दुनिया में शायद एक अभागी बहन मैं ही होंगी जिसने अपने पुत्र समान बेटे की चिता को अग्नि दी थी. अफसोस यही रहेगा कि वो हाथ आज भी मेरे सलामत हैं. दिल में बहुत बार आया कि काश ये हाथ टूट जाते. सरबजीत से मैंने माफी मांगी थी कि मैं तुमसे क्षमा चाहती हूँ सरबजीत, मैं तुम्हें छुड़ाने के लिए शायद वो प्रयास नहीं कर पाई जो मुझे करने चाहिए थे, या शायद उन सरकारों के कानून पर जूनी रहेंगी जिनके पास मैं जाकर गिड़गिड़ाती थी. बड़ी अपनी तरफ से मैं उनके पास हर बात को रखती थी कि अपना पक्ष मजबूत है, पाकिस्तान सरकार के पास उठाइए. शायद वो भी इसमें कामयाब नहीं हुए, हमें सफलता नहीं मिली, या हो सकता है कि पाकिस्तान का अपना इरादा ही ना हो कि सारा देश एक व्यक्ति के लिए खड़ा है. आज हिंदुस्तान उसे अच्छा नहीं लग रहा था, आप सबकी भावनाएं, उसे वो प्यार, वो सब कुछ, उससे जलन थी या क्या था, मैं नहीं समझ पाई. वो छूट कर नहीं आया. ये 2 मई, 28 अगस्त, 26 अप्रैल, 2 मई मेरे जीवन के एक काले दिन हैं,
मेरे इतिहास के लिए, मेरे दुख के लिए, मेरे दर्द के लिए। हर राखी पर मैं इंतजार करती थी, सर्व जी तुम लौटोगे, इस बार तो तुम जरूर लौटोगे और हम इसी आंगन में बैठेंगे, फिर से राखी बांधेंगे। मगर अफसोस कि वो नहीं आया। लेकिन उसके होते हुए फिल्म बनाना चाहती थी, जैसा कि उमंग जी ने बताया। शायद हर काम का अपना वक्त होता है, हर काम को करने के लिए कुछ हस्तियां परमात्मा नियुक्त करता है। शायद ये फिल्म उमंग ने ही बनानी थी। मुझे संदीप, जो मेरे छोटे भाई की तरह, उससे मुझे प्यार मिलना था। राजेश बेरी जी का मैं थैंक्स कहना चाहूंगी, जिन्होंने कि अपने प्रयासों से मुझे उमंग तक लेकर आए, मैं इन तक पहुंची। उससे आगे बढ़कर मेरे लिए खुशी की बात यह हुई कि मुझे रणदीप जैसा अपना भाई मिला। रणदीप फिल्म के अंदर एक हीरो ही नहीं, बल्कि मेरे लिए मेरा अपना भाई है। मुझे उसमें सर्वजीत नजर आया। मैं जब भी ट्रेलर देखती हूँ या कोई बात होती है, मैं रणदीप को ही ज्यादा देखती हूँ। मुझे रणदीप में सच में सर्वजीत नजर आता है। मैं पहले दिन जब आई थी तो इसे कोठड़ी के अंदर एक रोल दिया था, तो मुझे सच में लगा था कि मेरा शेर कोठड़ी के अंदर बैठा है। मैंने एक मैसेज भी किया था कि रणदीप तुम हजारों साल जियो, तुम्हें किसी की नजर न लगे। इसी तरह ही मुझे अपनी छोटी बहन ऐश्वर्या का प्यार मिला। जब मुझे वनीता ने फोटो भेजी तो मैंने मैसेज किया कि वनीता, मैंने बेरी भाई साहब ने भी कहा, मैंने भी उनको बोला कि ऐश को देखकर लग रहा था कि मैं हूं कि ऐश है, ऐश है कि मैं हूं। उसमें मुझे अपना सब कुछ दिखा और मैंने महसूस किया कि कितना मुश्किल होगा ऐश के लिए एक पंजाबी वातावरण में अपने आप को ढालना, पंजाबी बोलना, पंजाबी सभ्यता में आना, गुरुद्वारा साहब में अपने आप को सीस ढक कर जाना, सेवा करना, अरदास करनी, उस किरदार को निभाना। कहीं ना कहीं तो जरूर भावुक हुई होंगी ऐश, क्योंकि हीरो हो, हीरोइन हो, नेता हो, कोई भी हो, हम सब एक रिश्ते के साथ जुड़े होते हैं, भाई बहन। इसी तरह ऐश भी एक बेटी है, बहन है, पत्नी है, माँ है, और उस दर्द को अच्छे से पहचानती हैं। मेरे लिए भी एक फख्र की बात है कि ऐश और रणदीप जैसे, जिनके लिए मैं, इनके परिवार के लिए ऐश के जैसा कि चाहती थी, मेरी एक चाहत थी जिंदगी की, कभी मैं अमिताभ के बच्चन साहब के परिवार से मिल पाऊंगी, इनको देख पाऊंगी, उनके दरवाजे तक जा पाऊंगी, तो आज उनके साथ हमारा एक रिश्ता बना। थैंक्स कहना चाहती हूँ मैं उमंग जी को, जिनकी कि इनको जो भी किरदार के लिए इन्होंने जिनको भी चुना, वे सब अपनी अपनी जगह बहुत अच्छे। और दर्शन, जिनको मैं कहती हूँ कि सच में आप शेख का ही एक दूसरा रूप हो, जिस तरह से शेख साहब के रोल में उन्होंने अपने आप को ढाला, तो मैं यहाँ आप सबको, ऋचा ने जैसा कि अपना रोल निभाया, सभी ने अपनी अपनी जगह ईमानदारी से बहुत अच्छे से इस रोल फिल्म में अपना किरदार जो है वे निभाया है, कोई शक नहीं, कोई शंका नहीं। मैं सबसे बेहद प्यार करती हूँ और मुझे लगता है कि इस फिल्म के जरिए उमंग, संदीप, रणदीप, ऐश्वर्या, दर्शन, ऋचा, इन सबसे मेरा एक जैसे रिश्ता हो गया हो, नाता हो गया हो। मेरा दिल चाहेगा कि जब कोई दिन त्यौहार आए तो मैं इन सबसे मैसेज करूँ, इनको विश करूँ, इनको इनसे प्यार दूँ, इनसे प्यार लूँ, एक मुझे लगता है रिश्ता बना। रणदीप से आज मैं जरूर कहना चाहूंगी कि रणदीप, मैंने सच में आपके अंदर सर्वजीत को देखा है। और एक मेरी चाहत है जो आज सबके सामने मैं कहना चाहती हूँ, इनसे वादा भी लेना चाहूंगी कि जब मेरी मौत हो तो आप जरूर आइएगा और मुझे कंधा दीजिएगा। मेरी आत्मा को शांति मिलेगी कि मुझे सर्वजीत ने कंधा दिया। बस इतनी बात मैं इनसे जरूर कहना चाहूंगी। और आपसे मैं इल्तजा ये करना चाहूंगी, इस फिल्म को इसलिए देखिएगा, ये एक दर्द है, ये एक प्यार है, एक इंतजार है, एक तड़फ है रिहाई की। इसके अंदर सिर्फ एक रोना ही नहीं, इसमें परिवार की खुशी भी है, इसमें वो सब कुछ दिखाया है जो मैंने उमंग को बताया। इन्होंने इस तरीके से, अच्छे तरीके से दिखाया है कि एक बाप के होते हुए भी जब बेटी की डोली उठती है तो क्या दर्द और दुख होता है, क्या महसूस होता है। एक बहन, एक पत्नी, एक बेटियां, इनका इंतजार है। एक उस बूढ़े बाप का जो कि रोज सलाम करके सोते थे कि
साहब जल्दी आना, मैं तुमको मिलकर जाना चाहता हूँ। पर शायद सबकी उनकी बदकिस्मती थी, ऐसा हो नहीं पाया। तो इसलिए मैं आपसे कहूंगी कि इसको इसलिए देखिएगा कि दोनों मुल्कों के अंदर जो नफरत की बात चल रही है और उसकी शिकार कौन हो रहे हैं, वो निर्दोष व्यक्ति, बेशक वो पाकिस्तानी है, बेशक वो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई कोई भी है, बेशक वो भारतीय है, लेकिन जब दोनों मुल्कों के अंदर उन लोगों को पकड़ा जाता है तो उनकी जाति धर्म उनकी नागरिकता पूछकर जो सजा नियुक्त की जाती है, जो उन पर अत्याचार होते हैं कि तुम पाकिस्तानी हो इसलिए तुम्हारे साथ हम अत्याचार करेंगे, तुम हिंदुस्तानी हो इसलिए तुम्हें हम छोड़ेंगे नहीं, तुम जिंदा जा नहीं सकते, तुम्हारी हड्डियां भी नहीं जानी चाहिए। इसलिए इस फिल्म को देखकर इतनी आवाज बुलंद कर देना, इतनी आवाज बुलंद करना, ये इसमें कोई खामियां मत निकालना, सिर्फ प्यार दर्द और तड़प को देखना, रिश्ते को देखना। आपके सहयोग से आप जितना भी आप देखेंगे, जो आज के जमाने में बहन और भाई के रिश्ते में जो दरार आ रही है वो भी मैं समझती हूँ कि पूरी होगी, भर जाएंगी। बहन और भाई का प्यार अनमोल होता है, लाखों करोड़ों भी दे दें तो भाई नहीं मिलते, बहनें नहीं मिलती, अपना खून का रिश्ता नहीं मिलता। इसलिए भी देखना बहुत जरूरी है, इसमें प्यार है, दर्द है, खुशी है, सभी जज्बातों को, सभी बातों को इसमें दर्शाया गया। मैं उमंग का फिर एक बार थैंक्स कहना चाहूंगी कि इन्होंने बहुत अच्छे से इस फिल्म को निभाया और बनाया। और संदीप जो कि हमेशा ही कहते थे कि दलबीर जी जब फिल्म बनेगी तो आप देखना, तो मैंने सच में देखा, बहुत अच्छी फिल्म है, आप बोर भी नहीं होंगे, आपको सब कुछ वो मिलेगा। और आप भी चाहेंगे कि इस फिल्म को देखने के बाद कि हम इतना बोलें, इतना डटकर इस बात का विरोध करें कि पाकिस्तान की जेलों में नहीं बल्कि जिस भी देश के अंदर हमारा भारतीय निर्दोष पकड़ा है वे छूट कर वापस आए, और आपके ही सहयोग से वे छूट पाएंगे। हमारी कोशिश सिर्फ इसमें यही है कि अगर एक भी व्यक्ति छूट कर आता है तो हमें खुशी होगी, हम इसे सफलता मानेंगे, और मैं समझूंगी आज मेरा जन्म जो है वह सफल हुआ, मेरा एक सर्वजीत तो कोई वापस छूट कर आया। आपको अभी अनेकों सर्वजीतों को छुड़ाना है लेकिन आपके सहयोग से छूटना है। अभी कृपाल की मृत्यु हुई थी, उसे उसका शव लेकर हम पाकिस्तान से वापस लौटे तो मुझे अपने आप पर बड़ा दुख हो रहा था कि क्या मेरे हिस्से में यही लिखा है कि मैं अपने भाइयों के लिए ऐसा करूंगी। अभी मनीला में भी एक 19 मार्च को जेल के अंदर हिंदुस्तानी को मार दिया, आज उसकी पत्नी का मुझे फोन आया कि दीदी कल उनका शव दिल्ली आ रहा है। उसके लिए भी मैं विदेश मंत्रालय में गई थी, 19 मार्च से वहां बॉडी पड़ी थी। सच में इंसानियत हमारे समाज में नहीं बल्कि दुनिया में खत्म होती जा रही है, इसके लिए हम सबको आगे आना है। ये दर्द है, ये प्यार है, ऐश्वर्या को, रणदीप को, उमंग को, संदीप को, दर्शन को, ऋचा को, इन सबको अपना सहयोग दीजिए, प्यार दीजिए, आशीर्वाद दीजिए। और मैं तो दुआई करूंगी कि आप सब दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की करें, आप इतनी शोहरत पाएं, इतनी शोहरत पाएं कि मैं कहीं भी बैठी हूं तो मेरा सीना जो है फखर से चौड़ा हो और मैं इतनी खुशी महसूस करूं कि उमंग आगे बढ़ा है, संदीप आगे बढ़ा है, मेरी ऐश आगे बढ़ी है, मेरा रणदीप आगे चला है, मेरा दर्शन आगे गया, मेरी आज ऋचा के लिए वाह हो रही है। ये वाह आपके हाथ में है, इन्हें इतनी शोहरत और इतना प्यार दीजिए जिसकी हम उम्मीद करते हैं उससे बढ़कर। इतना ही कहती हुई मैं आपसे क्षमा चाहती। इनका जो अंदाज है बोलने का, ये यही देख के मैंने डिसीजन लिया था कि मैं ये पिक्चर बनाऊंगा। मैंने इनको यूट्यूब पर देखा था और जिस तरह ये बोलती हैं, पहले मैं सोचा था कि और एक बायोपिक नहीं बनाऊंगा, लेकिन इनको देख के ही मैंने डिसीजन लिया था कि इनकी कहानी तो मुझे बतानी ही है। एंड सच अ स्ट्रॉन्ग लेडी, सच अ स्ट्रॉन्ग लेडी, आप सबको रुला देते हो। आई मीन एंड थैंक यू, आपने मौका दिया मुझे ये लोगों तक बताने का। अब मैं बुलाना चाहता हूँ ऑन स्टेज द रियल कैरेक्टर्स हु हैव प्लेड देम ऑन स्क्रीन। ऐश्वर्या राय जी प्लीज, रणदीप हुडा जी प्लीज, दर्शन, ऋचा प्लीज ऊपर आए। एंड